मैं लक्ष्मी पासवान, जो पिता श्री विनोद पासवान चिचड़ी निवासी हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम एक छोटे से गांव में, छोटे से परिवार से इतना मेहनत करके और इंटरनेशनल खेलने के लिए जाएंगे। मेहनत अपनी है और मेरे कोच सर का ही है कि जो रास्ता दिखाए ठीक उसी रास्ते पे चलते गए और चलते चलते एक अच्छा मुकाम पाया। इसमें बहुत ही मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं, तब ये एक अच्छा मुकाम हासिल हुआ। मैं कैकशा परवीन और मैं राघवनगर भोवाड़ा मधुबनी की रहने वाली हूँ। हम लोग को तो यहाँ पे मिट्टी पे प्रैक्टिस होता है और बहुत अच्छा लगता है। मेरे कोच जी है जो अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। MP गए थे खेलने के लिए नेशनल, जिसमें वहाँ हमको इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन किए गए हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे आगे जिला स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाए और आगे इसी तरह बढ़ते रहे। मैं यही बच्चे लोग से आशा करता हूँ और मैं भी जी जान से सबको मेहनत करवाता हूँ, मार हो के, पीट करके, जैसे हो घर से पकड़ पकड़ के लाते हैं बच्चे। बिहार का नंबर वन चैनल मिथिला दस्तक के धाकर न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि जानकारी यहाँ के कोच इसराफिल जी दे रहे हैं, यहाँ के दो बच्चों का सिलेक्शन इंटरनेशनल स्तर पर कबड्डी खेलने के लिए हुई है। तो आइए हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं, उन बच्चों से जिनका सिलेक्शन कबड्डी में इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में हुई है। तो सबसे पहले हम आपको इनसे जानकारी देते हैं कि इनका सिलेक्शन अंडर 14 में हुआ है। सबसे पहले आपका मिथिला दस्तक की धाकर न्यूज पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके न्यूज से जितने भी देखने वाले पब्लिक है सभी को मेरा स्वागत है। आप अपना परिचय दे दें। मैं लक्ष्मी पासवान, जो पिता श्री विनोद पासवान चिचड़ी निवासी हूँ। राजनगर प्रखंड के अंतर पंचायत चिचड़ी कानून को आता है जी। क्या कहना चाहेंगे जो आप एक छोटे से जगह में कबड्डी को तवज्जो दिए और आप आज इंटरनेशनल कबड्डी खेलने के लिए भूटान जा रहे हैं? सर, सबसे पहले कि अपनी मेहनत और कोच, हमारे जो कोच महोदय हैं मोहम्मद इसराफिल नदाब, वो बहुत ही अच्छे कोच है। जिस तरह से ट्रेनिंग देते हैं और जिस तरह से बताते हैं, हम उसी का ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं और मेहनत करते हैं। सर, जो खेलेगा वो जीतेगा और ये जीतने की जज्बा इसराफिल जैसे एक कोच एक छोटा सा जगह लेकर के, वो भी सरकारी पैलेस पर, न कोई विशेष अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा, और ऐसे जगह से बच्चों को तराश रहे हैं। ये है लक्ष्मी पासवान जी और इनका सिलेक्शन भूटान में अंडर 14 के लिए हुई है। तो कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम एक छोटे से गांव में, छोटे से परिवार से इतना मेहनत करके और इंटरनेशनल खेलने के लिए जाएंगे। मेहनत अपनी है और मेरे कोच सर का ही है कि जो रास्ता दिखाए ठीक उसी रास्ते पे चलते गए और चलते चलते एक अच्छा मुकाम पाया। इसमें बहुत ही मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं, तब ये एक अच्छा मुकाम हासिल हुआ। बेहतरीन बात बताए हैं कि संघर्ष और लगन दोनों बनाए रखे हैं। तो इनको आप लोग धाकर बधाई दीजिए, आने वाले समय में इंटरनेशनल मैच जीत कर आपके सामने आए। आइए इसी कड़ी में एक बालिका जो इसी इंस्टीट्यूशन के हैं, इनका सिलेक्शन भूटान में अंडर 15 के लिए हुई है। तो सबसे पहले तो मिथिला दस्तक की धाकर न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं कैकशा परवीन और मैं राघवनगर भोवाड़ा मधुबनी की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद सवर अंसारी है। अंडर 15 में आपकी सिलेक्शन हुई है, ये खुशी की बात हम लोगों के लिए है। आप कैसा फील कर रही है? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को जो आज के दौर में मोबाइल पर गेम खेलना पसंद करते हैं लेकिन इस मिट्टी में आकर के, मिट्टी लगा करके गेम खेलना पसंद नहीं करते हैं? ना उनका शारीरिक विकास हो पाता है और ना ही उनका मानसिक विकास होता है। तो ऐसे में क्या कहेंगे उन युवाओं को? हम लोग को तो यहाँ पे मिट्टी पे प्रैक्टिस होता है और बहुत अच्छा लगता है। मेरे कोच जी है जो अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं और हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं और नेशनल खेलने के लिए गए, MP गए थे खेलने के लिए नेशनल, जिसमें वहाँ हमको इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन किए गए हैं। अच्छा, उन बच्चियों को क्या कहेंगे जो अब तक घरों में कैद करके रखा जाता है, अब तो बहुत सारा फ्रीडम मिली है, तो उन बच्चों के लिए एक आप आदर्श हैं जो आने वाले समय में आप जैसा खेल प्रदर्शन करके और उन बच्चियों को भी आप मोटिवेट कर सकती हैं? हाँ, आगे वाले जन्म में वो भी जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वो भी बच्चा मेहनत करे और खुशी की बात है और अपना गांव घर के नाम रोशन करे। क्या नाम बताई है? कैकशा परवीन। तो ये है कैकशा परवीन और इनका सिलेक्शन अंडर 15 के लिए भूटान में इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए हुई है। तो इनका आप धाकर स्वागत कीजिए, बधाई दीजिए। ऐसे बच्ची जो अपने
घरों से निकलकर आज मधुबनी की धरती से, राजनगर की धरती से, ये छोटा सा इंस्टीट्यूशन से निकलकर देश का नाम रोशन करने के लिए जा रही है। तो बधाई आपके माध्यम से भी मिलना चाहिए। एक जानकारी और साझा कर दे कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने, श्री गंगानाथ झा जी ने, जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल है, उन्होंने ये जगह इन बच्चों के लिए प्रोवाइड किए हैं। और आग्रह इन बच्चों का जो प्रिंसिपल साहब ने मान लिए है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से यहाँ जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है इन बच्चों के लिए। तो आप ऐसे ही इन बच्चों के लिए आने वाले समय में बेहतरीन कॉलेज के माध्यम से हो, सरकार के माध्यम से हो, उपलब्ध करवाते रहिए। स्कूली गेम के लिए स्टेट लेवल की सिलेक्शन इन बच्चियों का हुआ है, और हम जानकारी कुछ लेंगे इन बच्चों से कि आप लोग जो स्टेट लेवल की गेम खेलने के लिए स्कूल के माध्यम से जा रही है, तो कैसा अनुभव हो रहा है? क्या नाम है? मेरा नाम कोमल कुमारी है, मैं कोतवाली चौक मधुबनी में रहती हूँ। आज मैं जो भी हूँ, इसराफिल भैया के कारण हूँ। जो भी इसराफिल भैया जितना भी सिखा रहे, हम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे ये ट्रेनिंग होती है, बट यहाँ पे हमको दूसरे के से पता चला है कि यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, इसराफिल भैया देते हैं। हम लोग फर्स्ट रोज भी आए थे, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिए हैं और अभी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके कारण मेरा स्टेट में सिलेक्शन हुआ है और मैं अभी ट्रेनिंग करने यहाँ पे आती हूँ और रोज़ आती हूँ यहाँ पे। डर नहीं लगता है मधुबनी से आते तो? नहीं, सारी गर्ल्स आते हैं और एक दो भैया भी रहते हैं साथ में, ट्रेन से ही आते हैं और ट्रेन से जाते हैं। बहुत अच्छा। तो आप देख रहे हैं इन बच्चियों का सिलेक्शन स्कूली गेम के लिए स्टेट लेवल पर हुई है, तो बधाई इनको, और सबसे ज़्यादा बधाई और बरका धाकर बधाई इसराफिल सर को देते हैं कि इन बच्चों को आप जो जज्बा जगाए हैं अंदर से, जो आप मोटिवेट किए हैं, जिसका नतीजा ये सामने में इतने बच्चे हैं। शायद ये कुछ कम है, क्योंकि आज सालांत है, साल का ये अंतिम दिन है, तो कुछ बच्चे नहीं आए होंगे, ये मैं मानता हूँ। सर से जानकारी लेते हैं कि यहाँ कितने बच्चे प्रशिक्षित हो रहे हैं। लमसम अभी हमारे पास कुल बच्चे 84-85 को हैं। लमसम अब मेरे पास 15-20 गर्ल्स हैं, और बॉयज़ में तो लमसम काफ़ी है, बता नहीं सकते हैं। कुछ बच्चे तो अभी नागा है, क्योंकि अभी थोड़ा नए साल के लेकर अपना उत्सुक है, उस सब में लगे हुए हैं अपना एग्ज़ाम। कुछ बच्चे लोग जो अभी 12th 11th में हैं, जो सबका एग्ज़ाम है उसमें भी फंसे हैं, इसी के कारण सुबह के भी प्रैक्टिस चलती है, वो सबको हम सुबह का समय देते हैं, जिसके पास उसको मतलब कि 12वीं का और 10वीं का एग्ज़ाम। तो आप समझ सकते हैं एटलीस्ट 4 बॉयज़ यहाँ प्रशिक्षित हो रहे हैं। और सबसे गरिमा की बात यह है कि जहाँ बच्चे घरों में कैद होकर के मोबाइल पर गेम खेलना पसंद करते हो, या कहें कि क्रिकेट को ही ज़्यादा अहमियत देता हो, तो ऐसे में इसराफिल सर जैसे एक युवा, जिन्होंने ठाना है कि मिथिलांचल ही नहीं, बिहार के उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर हम प्रदान करेंगे, और यहाँ आज ये देखने को मिल रहा है, जहाँ 84 बच्चे प्रशिक्षित हो रहे हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं, सारे बच्चों का इसी ग्राउंड पे 2 लेवल में गेम करा करके प्रशिक्षित किया जा रहा है, और सर लगातार उन बच्चों पर ध्यान रखते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अंत में? अंत में यही कि सर, मैं चाहता हूं कि यहां के बच्चे आगे जिला स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाए और आगे इसी तरह बढ़ते रहे। मैं यही बच्चे लोग से आशा करता हूं, और मैं भी जी जान से सबको मेहनत करवाता हूं, मार होकर पीट करके, जैसे हो घर से पकड़ पकड़ के लाते हैं बच्चे को, चलो प्रैक्टिस करो और खेलो। ये कुछ बच्चे यहां पे हैं, क्या नाम है? वो नाम बोलो। अभिनव चौधरी। कहां से आए हो? जयनगर राजपुताना टोला। अच्छा, राजपुताना टोला से। तो यहां खेलने के लिए प्रतिदिन आते हो या कभी कभी याद आते हो? प्रतिदिन। प्रतिदिन। तो यहाँ से आने में थोड़ा भय नहीं लगता है कि उम्र भी कम है, यहाँ कैसे जाएंगे? नहीं, नहीं ना होता है। तो ये है अंदर की शक्ति जो इनको बुलंद किए हुए हैं और यहाँ आकर के अपनी खेल प्रतिभा दिखा रहे हैं। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है आपका? सलोनी कुमारी। आप कहाँ से आती हैं? मधुबनी कोतवाली चौक। तो ये भी मधुबनी कोतवाली चौक से ही आती है। तो धन्यवाद, सैल्यूट ऐसे बच्चियों को और बच्चों को जो यहाँ खेलने के लिए आते हैं। क्या नाम है? तेजस्वी मंसारी। कहाँ से आते हैं? राजनगर चट्टी रोड। राजनगर चट्टी रोड। तो आप तो लोकल हैं, तो यहाँ प्रतिदिन खेलने के आते हैं या एंजॉय करने के लिए आते हैं? जी। लगता है कि यहाँ कुछ सिखाया जाता है? हाँ। पहले की अपेक्षा आपके अपेक्षा में सही बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ।
अंदर में पहले कुछ टेक्निकली कुछ फॉल्ट लग रहा था, अब कुछ सुधार हो रहा है पूरा पूरा सर। तो ये है इसराफिल सर का देन, और इसराफिल सर को फिर अंत में हम यही कहेंगे कि आप ऐसे ही बच्चों को प्रशिक्षित करते रहें, प्रति से आप ऐसे ऊर्जावान खेल प्रतिभा को निखारिए ताकि आने वाले समय में मिथिलांचल की धरती का ये राजनगर राज पैलेस एक ऐसा अमिट छाप छोड़े जो आने वाले समय में हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी आपको याद करे। हम तो याद करते हैं मिथिला दस्तक की भागर न्यूज में। अंत में हम आपको सैल्यूट करते हैं कि आप ऐसे जगह पर इन बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो हमारे चैनल में आप अब तक देख रहे हैं, और आपको यदि लगता है कि ये चैनल आपके लायक है, भाकर न्यूज जैसा न्यूज दिखाता है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल मिथिला दस्तक के साथ। बने रहिए और देखते रहिए मिथिला दस्तक की भाकर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय राजनगर।